सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, आज है कार्तिक पूर्णिमा, हम जा रहे हैं मामा पांचा दोनों कार्तिक स्नान करने के लिए यहाँ पे बनारस वाराणसी के अंदर। आप देख पा रहे हो मैंने जो धारण किया है रूप, और जो है यहाँ पे देखिए हमारा जो रेस्टोरेंट है होटल वो खुल चुका है। जय किनाराम, जय किनाराम। कल जाके किनाराम आश्रम धारण किया, अभी थोड़ा चाय वाय पी के थे, फिर जाएंगे आज वो गंगा नहाने। आज बहुत रहेगा ना, है ना, तो अभी पूर्णिमा है आज, तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे चाय पीने के लिए, और चाय पीने के बाद जो है आज हम गंगा मैया में गंगा घाट पे नहाएंगे। और आज यहाँ पे बहुत ही जोरदार मतलब मेला होगा, यहाँ पे अमेजिंग वेरी ब्यूटीफुल देखने का। आज जो पब्लिक है लाखों में, जो घाट आपने मेरा लास्ट वीडियो देखना जो मैंने डाला है ऑलरेडी, जो दो दिन पहले परसों हमने शाम को शूट किया था, तब घाट सारे खाली थे, वहाँ पे सजावट चल रही थी, क्यों धर्मेंद्र जी? और आज वही घाटों के सीन में आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक्स आई हुई है ना, देखिए यहाँ पे देखिए रेलवे स्टेशन सामने है, उस तरफ बहुत ही भरा हुआ है, इतनी पब्लिक आज लाखों में, भारी मात्रा में तादाद में पब्लिक आई। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको सीधा, सबसे पहले चाय पी रहे, चाय के बाद हम सीधा घाट पर। आज पहले स्नान हम गंगा स्नान करेंगे, कार्तिक महीने की जो स्नान है उसका लाभ लेंगे। ये है अंडे की लारी, जो लोग अंडे शौक से खाते हैं, देखिए यहाँ पे आपकी रखवाली में देखिए अमर अकबर एंथनी, तीनों आपके लिए सुरक्षा व्यवस्था, मतलब इतना तो सोने चांदी का जो ज्वेलर्स का शोरूम होगा वहाँ पे भी ऐसी कड़ी सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो अमर अकबर एंथनी, और यहाँ पे कुछ बन रहा है, अभी तैयारी चल रही है। दिस इज द बनारस मार्केट, थोड़ी थोड़ी वहाँ से यहाँ पे आज बारिश जैसा मौसम हो रखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये यादव भोजनालय है और काफ़ी सारे नाश्ते, एक दो हम जा रहे हैं, अपनी कौन सी यही गली ना चाय वाली, हमारी जो चाय वाली गली वो ये है। हम चाय पीने के लिए स्पेशल होटल से यहाँ तक पैदल चल के आते हैं वॉकिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत बढ़िया है। लिट्टी चोखा वाले जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लिट्टी चोखा बनाते हैं, और हम पियेंगे यहाँ की फेमस तांबुल चाय, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड्स टी स्टॉल्स। ये देखिए यहाँ पर चाय ऑलरेडी बन चुकी है, तांबुल भंडार टी स्टॉल, ये कुछ लोग पार्सल लेके जा रहे हैं, और भैया जी यहाँ पे चाय बना रहे हैं। यहाँ पे जो अंगीठा है सिगड़ी वाली चाय है, सुबह सुबह गर्मा जो आती है ड्यूल्स डबल गर्मास। अभी हम यहाँ पे एक बन लेंगे और बन के साथ में लेंगे यहाँ की गर्म चाय। वैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं जब भी डबल चाय पीते हैं, सिंगल चाय पीते ही नहीं है, क्योंकि ठंडी के अंदर बड़ी राहत मिलती है। ये यहाँ के ऑनर है भैया जी, कैसे भैया जी? तो ये है यहाँ पे ऑनर, और ये है यहाँ पे चाय देने वाले, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम भी इस टेबल पे बैठने वाले हैं। ये है देसी स्टाइल में पीने का पानी, वैसे इस जग को काफ़ी जगह यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से भी यूज किया जाता है। धर्मेंद्र जी पानी पीजिए ज़रा, तो धर्मेंद्र जी देखिए देसी तरीके से पानी पीते हुए, धर्मेंद्र जी ने पानी पी लिया, शर्म किस बात की। दिस इज द इंडियन कल्चर, डब्बा क्या बोलते हैं, मग्गा, मग्गा पानी, मग्गे में हम पानी पियेंगे। मग्गे में पानी पीने का जो फीलिंग्स है देयर आर वेरी अमेजिंग। चलिए जय किनारा। फाइनली यहाँ का जो बेस्ट नाश्ता है बंस, जो कि हम लेते हैं हर बार बन, और साथ में ये जो बिस्किट्स, और अभी आ रही है यहाँ पर तंदूरी चाय जो कि मिट्टी के गुलों में आएगी वो पियेंगे। चाय भी आ रही है, और अभी आ चुकी है हमारी तंदूरी चाय मिट्टी के कूलर के अंदर। लोग किसी और को चेयर करते रहेंगे, हम लोग धार्मिक लोग हैं, आप देख पा रहे हो कि मेरे गले के अंदर जय किनाराम बाबा, जय भोपड़ी वाले बाबा।
चाय है, चाय के दूर से आपको नजर आ रहा होगा हम लोग क्या काम करते हैं। जय किनारा मोबा। जब अच्छा तेरा सब काम हो जाएगा, सब मोह माया है, आज के बाद सब कुछ छोड़ दे, तेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तू हमेशा खुश रहेगा, बस जय किनारा मोबा। जय विश्वनाथ।